नफ्सा नफ्सी और अफरा तफरी के इस दौर में हम भूल गए कि इस्लाम की ये दौलत जो हमें मिली है, इस नेमत के हम तक पहुंचने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई। हम भूल गए हज़रत बिलाल हबशी आग के अंगारों पे लेट के भी अहद अहद का नगमाए सरमदी अलापते रहे। हम भूल गए कि इस दीन से वफा करते हुए हज़रत यासिर, उनके पैर दो मुखालिफ सिमत खड़े ऊँटों के साथ बांधे गए और अबू जाल ने कहा, अगर तुमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, मैं ऊँटों को दौड़ाऊँगा, तुम्हारा जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। और फिर ऊँट दौड़ाए गए, रसूलुल्लाह के ग़ुलाम ने इस्लाम से बेवफाई नहीं की, वो कलमा पढ़ रहे। हम भूल गए कि इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए ताइफ के बाजार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म नाज़नी पे पत्थर बर्दाश्त की। हम उहद का मैदान भूल गए जब हजूर के होंठ मुबारक पे, चेहरा अकदस पे जख्म आए। आज दुनिया की ऐशो इशरत में, चंद रोजा ऐशो इशरत में खोकर हम भूल गए हजूर के प्यारे चचा हजरत हमजा का कटा फटा जिस्म हजूर के सामने पड़ा हुआ है। बदर से लेके करबला तक कुर्बानियों का जो तसलसल है, आज के मुसलमान को वो याद नहीं। अगर हमें याद हो कि ये दीन कितनी कुर्बानियों से हम तक पहुंचा है, तो कभी हम इस दीन से बेवफाई का तसव्वुर भी ना करें। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि शैतान भुला देता है। इस्तहवज़ा अलैहिम शैतानों फअनसाहुम ज़िक्रल्लाह। वो आदमी बड़ा खुश नसीब है जो दुनिया से ईमान लेके गया। और आप जानते हैं, बारहा मरतबा आपने ये सुना कि कब्र में जाते ही जो तीन सवाल होंगे, उनमें दूसरा सवाल क्या है, मा दीनों का, बताओ तुम्हारा दीन कौन सा है। उस वक्त क्या कहेंगे, भी सारे दीन बराबर ही हैं, क्या कहेंगे उस वक्त? हाँ, आईन में बुनियादी हकूक पाकिस्तान के हर शहरी को हासिल है, लेकिन दीन सिर्फ एक, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन सिर्फ इस्लाम। जब कब्र में पूछा जाए मा दीनों का, तो जो ये कि सारे दीन बराबर हैं, कब्र जन्नत का बाग बनेगी या दोजख का गढ़? दोबारा अर्ज कर रहा हूं, हम किसी पर बददियानती या बदनीयती का इल्जाम नहीं लगाते। आईन में जो कानून में बुनियादी हकूक हर पाकिस्तानी को हासिल हैं, वो हासिल हैं, अकलियतों को हकूक हासिल हैं, लेकिन मशरक से मगरब तक पूरी दुनिया में अगर दीन है तो सिर्फ इस्लाम है। अब जितनी मोहब्बत है, उस मोहब्बत के साथ आपने जवाब देना है, मुझे दीन इस्लाम से, मुझे दीन इस्लाम से। परवरदिगार, आज जो इस मस्जिद में इस्लाम से मोहब्बत का इजहार करे, कब्र में ये जवाब उसकी जबान पर जारी हो जाए। फरिश्ते पूछें मा दीनों का, तेरा दीन कौन सा है, उस वक्त भी जबान पे जारी हो जाए, मुझे दीन इस्लाम से। ऐ बिलाले हबशी, आपको आग के अंगारों पे लटाया गया, मक्का की सरजमीन तपती हुई दोपहर, गर्म रेत पे घसीटा जा रहा है बिलाल, वजह क्या है? उमैया बिन खलफ आपको असीयतें क्यों दे रहा है? रूहे बिलाल ने जवाब दिया, मुझे इस्लाम से। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने घर का सारा माल, घर में एक सुई भी नहीं रहने दी, दीवारों पे हाथ फेरा, घर का सारा माल गठड़ी में बांध के हजूर के कदमों में ला के रखा। ऐ अबू बकर, घर में कोई चीज नहीं रहने दी, सारा माल ले आयो, वजह क्या है? अबू बकर जवाब क्या देते हैं, मुझे इस्लाम से। हजरत फारूक आजम ने घर का आधा माल हजूर की बारगाह में पेश कर दिया, ऐ फारूक सबब क्या है? उमर बिन खत्ताब जवाब क्या देते हैं, मुझे इस्लाम से।
सहाबा ने मक्का छोड़ा, मदीना मुनव्वरा हिजरत की है, घर मक्के में, कारोबार मक्के में, जायदादें मक्के में, सब कुछ छोड़ के मदीना मुनव्वरा क्यों जा रहे हैं? हजरत सुहैब रूमी ऊंटों पे सामान बांधा है, सामान लादा है, ऊंट की मुहार पकड़ी है, हिजरत शुरू की है। अबू जहल आ गया, उसने कहा मैं इतना माल मदीना मुनव्वरा की मंडी में नहीं जाने दूंगा, तुम मक्के में रहो। हजरत सुहैब ने कहा मैं हजूर से दूर नहीं रह सकता। या अल्लाह जो हजरत सुहैब की मोहब्बत को सलाम पेश करे उसे मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमा। अबू जहल ने कहा मैं ये माल नहीं मदीना मुनव्वरा जाने दूंगा। हजरत सुहैब ने कहा वो माल मुझे नहीं चाहिए जो हजूर से दूर करे। ये पकड़ो ऊंट की मुहार, सामान से लदे हुए ऊंट अबू जहल मक्के लेके जा रहा है, सुहैब खाली हाथ मदीना मुनव्वरा चल पड़े। मेरे आका मदीना मुनव्वरा सहाबा के झुरमर में बैठे, सहाबा उठो चल के उसका इस्तकबाल करें जो घर भर लुटा के मेरी मोहब्बत में मदीना मुनव्वरा आ रहा है। मेरे आका इस्तकबाल के लिए निकले और हजरत सुहैब का इस्तकबाल करते हुए क्या फरमाया, सुहैब तूने बड़े नफे का सौदा किया है, तूने बड़े नफे का सौदा किया है। अबू जहल ने जिस वक्त हजरत सुहैब से कहा सौदा कर लो, या हजूर को रख लो या अपना घर बार और कारोबार रख लो, उस वक्त सुहैब ने क्या जवाब दिया है, मुझे इस्लाम से। हर सहाबी के दिल की ये आवाज है जो आज मस्जिद सिद्दीक के अकबर में बैठ के आप बुलंद कर रहे हैं। हजूर के तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत, उन सब के दिल पे ये कलमा नक्श था, मुझे इस्लाम से। अल्लाह करे यही हमारी जबानों पे दुनिया में भी रहे, यही नजा के वक्त जारी रहे, यही कब्र में भी। फरिश्ते पूछें बताओ तुम्हारा दीन कौन सा है, हम क्या कहें, मुझे इस्लाम से। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कयामत के दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। कयामत के दिन नेमतों के बारे में, जो अल्लाह ने नेमतें अता की उनके बारे में पूछा जाएगा। अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, फरमाया हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और हमने अपनी नेमत पूरी कर दी है। यह आयत बताती है इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है। जिसे रिज़्क़े हलाल से मोहब्बत है उसे इस्लाम से मोहब्बत है, जिसे इल्म से मोहब्बत है उसे इस्लाम से मोहब्बत है, जिसे पाकीजगी और तहारत से मोहब्बत है उसे इस्लाम से मोहब्बत है, जिसे शर्मो हया से मोहब्बत है उसे इस्लाम से मोहब्बत है, जिसे अच्छे अखलाक से मोहब्बत है उसे इस्लाम से मोहब्बत, जिसे ये बात अच्छी लगती है कि औलाद माँ बाप की खिदमत करे वो इस्लाम से मोहब्बत करता है, जिसे ये बात अच्छी लगती है कि छोटे बड़ों का अदब करें, बड़े छोटों पे शफकत करें वो इस्लाम से मोहब्बत करता है, क्योंकि इस्लाम ही अच्छे अखलाक का दर्स दे रहा है। आज दुनिया को इस्लाम की जरूरत है, इस्लाम से बढ़कर कोई इंसानियत का खैर खान नहीं।